दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थ्योरी जो सुनी जाने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है। कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? लियोनार्डो डा विंची। हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब, कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो, एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी है असली नमूने, पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर। उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया, कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वॉल्ट डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा, गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहेगी। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे,
और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर लकड़ी कचरा कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू कर लो। ईशान एक मिनट, राजन तुम जाओ। जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया, शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है रामशंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी, मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए, उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं, उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये डफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान,